नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम कास्टिक सोडा डायरेक्ट मिलाएंगे साल्ट में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो मैंने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, इसका पहला पार्ट मैंने बनाया था तो उसमें हमने क्या किया था, कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करके तब हम साल्ट में मिलाए थे। लेकिन इस वीडियो में हम इसे डायरेक्ट साल्ट में मिलाएंगे और देखते हैं किस क्वालिटी का हमारा डिटर्जेंट पाउडर बनता है। तो आपने अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रॉ मटेरियल देख लीजिए, एसिड स्लरी 50 ग्राम, कास्टिक सोडा 30 ग्राम, कलर 20 ग्राम, परफ्यूम इच्छानुसार, साल्ट 900 ग्राम। यह 1 kg का फार्मूला है। सबसे पहले हम कास्टिक सोडा का लाई बनाएंगे। कास्टिक सोडा का आप जब भी यूज करें हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। यहाँ पर आपने अगर 30 ग्राम कास्टिक सोडा लिया है तो आपको 30 ग्राम वाटर लेना है, मतलब 50%। समझ में आ गया, कास्टिक सोडा 30 ग्राम, वाटर 30 ग्राम, क्योंकि हमें इसे डिटर्जेंट पाउडर में ऐड करना है। तो अगर हम इसमें ज़्यादा वाटर अगर हम मिला देंगे तो हमारा डिटर्जेंट पाउडर गीला बनेगा, इसीलिए 30 ग्राम कास्टिक सोडा और 30 ग्राम वाटर। कास्टिक सोडा और वाटर को 10 मिनट अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब इसे डायरेक्ट हमें साल्ट में मिलाना है। समझ में आ गया, इसे हमें 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। डायरेक्ट हम कास्टिक सोडा और वाटर को मिलाएंगे और उसे हीट पर ही हम साल्ट में मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट मिलाना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर मशीन में बनाना है तब भी आप बना सकते हैं, मैनुअली बनाना है तब भी बना सकते हैं। समझ में आ गया, आप कास्टिक सोडा और वाटर को मिलाएंगे 10 मिनट अच्छी तरह से और उसके बाद उसे डायरेक्ट साल्ट में मिला देंगे। अगर आप यहाँ पर सोडा एस और डोलोमाइट ऐड करना चाहते हैं तो आप साल्ट को कम करके, जैसे आप अगर बहुत हाई क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो आप 30 से 40 kg साल्ट को कम करके इसके जगह पर आप सोडा एस ऐड कर सकते हैं और डोलोमाइट आपको इसमें 10 kg ऐड करना है। जैसे आपने साल्ट 10 kg कम करके 10 kg डोलोमाइट ऐड कर देना है। अब देखिए, कास्टिक सोडा, पानी और नमक अच्छी तरह से 10 मिनट मिलने के बाद में इसी में एसिड स्लरी आपको डाल देना है और इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिलाना है। ये आपका डिटर्जेंट पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें इच्छानुसार अपने कलर और परफ्यूम ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो पहले वीडियो में हमने बनाया था कास्टिक सोडा और एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज करके साल्ट में ऐड किया था और इस वीडियो में हमने कास्टिक सोडा को डायरेक्ट साल्ट में ऐड किया है। अब इसके अगले वीडियो में हम इन दोनों डिटर्जेंट पाउडर को देखेंगे, चेक करेंगे कि किसमें क्या फ़र्क होता है। जैसे कहने का मतलब है, कोई बढ़िया क्वालिटी बनता है, कोई लो क्वालिटी बनता है, देखने में कैसा लगता है। तो आप इसका अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।